अगर आप इस प्रोटेस्ट में इतने प्यारे प्यारे विजुअल्स देखने को मिले जहाँ पे क्रिश्चियन हिंदू भाई बहन ह्यूमन चेन बना के अपने मुस्लिम भाई बहन नमाज पढ़ रहे हैं, उसके लिए ह्यूमन चेन बना रहे हैं, ये हमारा देश है, ये हमारा सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन है जो B.R. अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा दैट द पीपल ऑफ इंडिया विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, और हम उसी को मानते हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक CAA, NRC और NPR रोल बैक नहीं हो जाता। मतलब जिन लोगों को, जिन तबकों को, पर्टिकुलरली एक बहुजन तबके का मर्द भी दबा होता है उन कथित ऊंची जाति वालों से, लेकिन जो पर्टिकुलरली दबाई जाती हैं वो ट्रांस क्वेयर और महिलाएं ही होती हैं जिनको आइडेंटिटी को वो बचपन से ही जोड़ दिया जाता है और हर तरीके से दबाया जाता है। तो वो दबे लोग जब अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं या सबसे इस जो बहुरंगी भारत है इसको वो खूबसूरती है, इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि महिलाएँ जिनको आज तक हर तरीके से पीछे रखा गया, घर की चार दीवारी में बंद रखा गया, ट्रांस जिनके आइडेंटिटी पे सवाल खड़ा गया, क्वेयर जिनको कभी किसी चीज़ में जॉब में मान्यता नहीं दी गई, वो लोग आज खुल करके बोल रहे हैं। तो हर तरीके से जब युवा जुड़ रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड नहीं कर रही बल्कि छात्र इस मूवमेंट को लीड कर रहा है, ये सबसे खुशी की बात है। प्रधानमंत्री एक और कहते हैं कि हमारे देश में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है, दूसरी ओर जो गृह मंत्रालय है वो लिखित में जवाब देते हैं पार्लियामेंट में कि 6 डिटेंशन सेंटर हैं और डिटेंशन सेंटर्स के लिए पैसे दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं कि हम नेशनल NRC की बात ही नहीं कर रहे, पर गृह मंत्री नेशनल NRC की बात करते हैं, तो कन्फ्यूजन कैसे नहीं होगा? और ये कहना कि कोई और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये बिल्कुल गलत है। अगर सरकार चाहती है तो एक सही तरीके से सूचना दे लोगों को, लोगों से एक संवाद करे। आप देखिए इतने हफ्तों से प्रदर्शन चल रहे हैं, एक ही चेहरा सरकार का नज़र आता है, वो है पुलिस। क्या लोकतंत्र में ये सही बात है? क्यों सरकार नहीं आती? शाहीन बाग में 3 हफ्ते से महिलाएं 24 घंटे बैठी हैं, क्यों सरकार का कोई नुमाइंदा आकर वहां पे बात नहीं कर रहा है इन महिलाओं से, नहीं समझ रहा कि क्या कंसर्न्स हैं, क्या चिंताएं हैं और उन पर एक्शन लिया जाए? इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चल सकता। लोगों को पहली बार सरकार जो है वो लगातार कानून लाती है लोगों से बातचीत करे बगैर, कानून लाने के बाद जब विरोध होता है तो सरकार बात नहीं करती, तो लोकतंत्र कैसा रह गया फिर? सबको पता है आसाम में बने हुए हैं, 988 लोग उसमें रखे गए हैं, ये भी फैक्ट है, पार्लियामेंट से फैक्ट निकाला गया। और इसको इन मूर्खों को, गौपुत्रों को ये समझ में नहीं आता है कि देश जो है अब उन युवाओं के हाथ में है जिनके हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में इंटरनेट है, अब वो ग्लोबली अटैच्ड है। तो तुम अगर तुम रामलीला मैदान में कुछ खड़े होकर बोल रहे हो, उससे ज़्यादा रिसर्च करके लोगों ने 10 तरह के वीडियो तुम्हारे पुराने ठेल देते हैं मार्केट में, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के सारे लिंकेज तुम्हारे निकाल देते हैं। और जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस पार्लियामेंट में राष्ट्रपति ने एड्रेस किया उसमें तो साफ साफ उन्होंने बोला, तो तुम कह रहे हो कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई है, तो प्रेसिडेंट फिर बोल किस लाइन पर आए कि हमारी सरकार पूरी तरीके से एडमंड है NRC को लागू करने के लिए? तो मतलब देश को तुम जो है मूर्ख समझे हो, जिस देशवासियों के वोट से तुम प्रधानमंत्री बने हो उसी की नागरिकता तुम चेक करोगे? जब वोट लेने का समय आया था, जब इतना बड़ा डेमोक्रेटिक पर्व चल रहा था, लोकसभा का चुनाव चल रहा था, जब यही लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है भाग ले रहे थे, तब तुमने नहीं सोचा कि कौन देश का नागरिक है जो वोट दे रहा है, कौन नहीं है, जो देश का नागरिक नहीं वो वोट ना दे हमें? जब आपके जो PM हैं वो हर जगह NRC पे बोल रहे, झूठ बोलना पड़ रहा है, मतलब संसद में अमित शाह कुछ बोलते हैं और जाकर के स्टेज पर रामलीला मैदान में मोदी जी कुछ बोल जाते हैं, डिटेंशन सेंटर नहीं है, NRC नहीं लागू होगा, अमित शाह बोलते हैं लागू होगा। पहले तो आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है आपस में, आप दोनों में कोऑर्डिनेशन है भी कि नहीं, या आप दोनों में झूठ बोल कौन रहा है? देश में ये लोग डर रहे हैं तभी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, वरना सब कुछ तो इन्होंने खुले तौर पर किया था, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, सब कुछ पे खुले तौर पर बोले, आज क्यों डर रहे हैं? क्योंकि जान रहे हैं कि अब हर एक तबका एकजुट होकर रहा है, क्योंकि जितना अटैक करते गए ये लोग को लग रहा था कि ये जो माइनॉरिटी तबका है बाकी है वो दबा रहेगा, सोया रहेगा, पर नहीं, अब क्रांति की चेतना सब में जग चुकी है, तब सड़क पर है और आप झूठ बोल रहे हैं। इतने सारे बच्चे मुस्लिम लड़के जिनको अरेस्ट किया पुलिस, उनको रेक्टल ब्लीडिंग होता है, क्यों रेक्टल ब्लीडिंग कैसे होता है किसी का? ये बात मीडिया आपको नहीं दिखा रही है, क्यों नहीं दिखा रही है? इतने सारे स्टूडेंट्स को, मदरसा के स्टूडेंट्स को जो ऑर्फनेज में रहते हैं उनको अरेस्ट किया गया है और वो रेक्टल ब्लीडिंग से गुजर रहे हैं, क्यों रेक्टल ब्लीडिंग कैसे होता है? आप अगर अब हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो एक फेयर प्रोसेस है, कहाँ का फेयर प्रोसेस है रेप कल्चर? क्यों रेप
कल्चर होगा, ये बीजेपी टाइम एंड अगेन है सपोर्टेड रेप, चाहे वो उन्नाव में हो चाहे वो काठुआ में हो, और उसी को वो यूज़ कर रही है आज के टाइम पे। ये खाकी वर्दी पहनने वाले लोग जो हमें प्रोटेक्शन देने की जगह वो पीट रहे हैं, एएमयू में वो महिलाओं के हॉस्टल्स के अंदर घुस के उनको मोलेस्ट करती है, हरास करती है, जामिया में भी लड़कियों को हरास करती है। एक वीडियो आपने देखा होगा, चार महिलाओं के ऊपर अनयूनिफॉर्म्ड पर्सनल किस तरीके से अटैक कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बस में आग क्यों लगाई जा रही है वर्दी पहनने वाले लोगों के द्वारा? क्योंकि साफ साफ एक दिखाने की कोशिश है कि हम रायटर्स हैं, लेकिन ये बात अमित शाह को समझना होगा कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम यहाँ पे लाठी और गोली लेके नहीं चल रहे, हम अपनी डफली और हम अपने पोस्टर्स लेके चल रहे हैं। लाठी आपके पास है, गोली आपके पास है, और रायटर्स आप हमें बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि वायलेंस हम फैला रहे हैं, जब सब कुछ आपके पास है, ये कैसे जायज़ है? आज़ादी फांसीवाद के खिलाफ आज़ादी है, ये दूसरी आज़ादी वो आज़ादी है जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि देश में धर्म जात और वर्ग के नाम पे जब तक लोगों को बांटा जाएगा, जब तक इन तीनों आधार पर जाति वर्ग और धर्म के नाम पर यहाँ पे संतरास रहेगा, तब तक वो आज़ादी पूरी नहीं है। और ये आज़ादी हमें चाहिए कि धर्म और जाति और वर्ग के नाम पर यह देश बटेगा नहीं। ये देखिए, एक तो ये तो सच है कि जितना गुंडागर्दी से लोगों ने इस कानून को लाया, बाद में इनको रियलाइज़ तो हुआ कि ये गड़बड़ हो रहा है, इसलिए मोदी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश किया। मोदी थोड़ा अमित शाह से ज़्यादा धूर्त है इस मामले में, कि मोदी को थोड़ा सा ग्लोबल फ्लेस भी देखना होता है, क्योंकि उतना घूमता टहलता है, इतना यार दोस्त उसके बन गए हैं, चूँकि ये जो राइट विंग है ये ग्लोबल फिनमना है, ये पूरी दुनिया में असरसन हो रहा है, ये कोई मोदी नया कोई चेहरा नहीं, ये भारत कोई अजूबा नहीं जो अचानक मोदी आ गया, ये दुनिया भर में राइट विंग का उभार हो रहा है, मोदी भी उसका एक चेहरा है। लेकिन मोदी को थोड़ा इंटरनेशनल लेवल के तमाम सारे दबाव भी काम करते हैं, अमित शाह को तो कुछ भी काम नहीं करता है, वो तो जाता भी नहीं कहीं भी, इसलिए उसको कोई मतलब ही नहीं, उसको पता है कि मुझे जो करना है वो करेगा, हुंड है एक मामले में, हुंड है वो उसके अंदर, जो जैसे सांड, कभी आपने देखा है जब सांड जो है छुटता है तो कभी पेड़ जो है रगड़ता है, कभी घूर रगड़ता है, कभी सींग से कुछ भी उठा के फेंकने लगता है, तो छुट्टे सांड के जो चरित्र है वो इस गौपुत्र में भी हमको दिखाई देता है, मैं उसको मेटाफरिकली यूज कर रहा हूँ, हो सकता है कि उनमें कुछ शालीनता भी आ जाए, मनुष्य हैं, लेकिन ऐसा प्रवृत्ति उनमें दिखाई नहीं देता, इसलिए जो ठान लेता है कि किसको हुल देना है, देश की महिलाओं क्या सोचेंगी, देश का दलित क्या सोचेगा, उस पर क्या गुजरेगी, इस देश का जो दलित है वो लैंडलेस है, 30% तो जो है देश का जो बड़ा आबादी है उसके पास तो कोई इस प्लानेट पर पता ही नहीं है, किराए के मकानों पर रह रहा है, वो कहाँ से लाएगा, जाति मकान ही जिसके नहीं है, जिसके पास एक भी बीघा भूई भाड़ा नहीं है, न खसरा है, न खतौनी है, न जोत बही है, न लगान है, न पनियौना है, क्या देगा? हम तो किसान फैमिली से आए हैं, हमारे दादा नहरों का पनियौना देते थे, पहले अमीन आते थे, खसरा है, खतौनी है, कुछ न कुछ हम तो ट्राई करेंगे, लेकिन उन दलितों का क्या है जो रोज़ 500 रुपये 1000 रुपये कमाना है और आटा चावल दाल लेकर आना है और शाम को बनाना है, फिर अगले दिन का फिर सोचना है। तो ये सीधा ये कानून इस देश का जो गरीब है उसके खिलाफ है, इस देश की बड़ी दलितों की आबादी है उसके खिलाफ है, इस देश की महिला जिसके नाम में ज़मीन ही नहीं है, आज भी महिलाओं के नाम में रजिस्ट्री थोड़ी, ये तो अब आया है, अब तो समय कोर्ट के बाद महिलाओं का जो है एक संपत्ति में भी अधिकार होने लगा बेटियों का, नहीं तो उनका तो अधिकार ही नहीं है, तो उनके नाम से तो कुछ नहीं है, तो महिलाएँ कहाँ से जाएंगी? हम बताना चाहेंगे सर, हम प्रेम वाले लोग हैं, हम इंसान से भी प्रेम करते हैं, इस धरती से भी प्रेम करते हैं, नफरत आपके खून में दौड़ता होगा, हमारे नहीं, हम सबको मिलकर गंगा जमुना की तहजीब को बचाने वाले लोग हैं और अंत तक बचाते रहेंगे। आप ये लोग जो स्टेटमेंट देते हैं कि कपड़ा से पहचान होगा, गोली मार दो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बोलते हैं योगी आदित्यनाथ कि हम बदला लेंगे, क्या ये बात होना चाहिए? मतलब आपके अंदर तो मनुवाद अभी भी दौड़ रहा है ना, आप उसी को चाह रहे हैं लोगों पर तोड़ना, उसको हाँ, योगी है तो क्या वही भगवाकरण नहीं ना चलेगा देश का? सर आप भगवा पहन ले तो पूरा देश भगवा हो जाएगा, नहीं होगा, ये बहुरंगी भारत है, बहुरंगी ही रहेगा, किसी का नहीं चलेगा यहाँ पर, सरकार लाने वाले हम हैं, सरकार गिनाने वाले हम हैं, आपको डर के हमसे रहना चाहिए, हमको आपसे डरने की जरूरत नहीं है, आपका अस्तित्व हमसे है, हमारा अस्तित्व आपसे नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। वो महिला क्वियर ट्रांस कम्युनिटीज से लोग आए हैं, और केवल वही लोग नहीं आए, ये पूरे अलग अलग तबकों से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, ट्रांस कम्युनिटी के लोग हैं, क्वियर कम्युनिटी के लोग हैं, कोई एक समुदाय के लोग नहीं हैं, और
यही मैं कहना चाहती हूँ कि लोग समझ रहे हैं कि ये हमारे देश का मामला है, हमारे लोकतंत्र का मामला है, हमारे धर्म निरपेक्ष होने का मामला है। इसीलिए कोई एक कम्युनिटी से प्रताड़ित नहीं है, सभी हैं। और लोग समझ रहे हैं कि दस्तावेज सबको दिखाने होंगे और दस्तावेज दिखाने में सबकी नागरिकता पर सवाल उठेगा।